खबर दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत नकपुरा से है, जहां सरपंच भूपेंद्र रिंगरी और ग्रामवासी बलराम कौशिक के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया। जी हां, आपको बता दें, एडीबी प्रोजेक्ट के तहत बन रही नाली से गांव में नल कनेक्शन क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके कारण पिछले 2 महीने से गाँव वालों को पेयजल के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही ग्राम पंचायत ने बताया कि इस मामले की शिकायत अधिकारियों गृह मंत्री से भी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों ने समस्या का निदान न होने पर उपचुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। जल ही जीवन है भैया, जल बिना आदमी लग खाना नहीं खाई जी जाई, और पानी बिना और आदमी जिंदगी नहीं रही। सोटा है 2 दिन के बाद तो काला जीस नहीं, आदमी कौन उद्धार ही, आदमी जिंदा च नहीं रहता, कहाँ उद्धार ही। एक 1.5 महीना हो गई पानी आए शुरू न हो, गंदा पानी तालाब के पानी, आदमी मर सब पिया, तुम खाना बना तो आदमी तबियत खराब हो नहीं आई तो कैसे मर ही पट पट ले, कैसे कर रिलत बता पानी भी ना काय कर ही था, ले तो नहीं खाई 2 दिन से जी जाई, पानी भी ना जी जाई, ले तो काय कर ही। तो ये सब जात है मकुरा आदमी के जिंदगी है करना, आदमी कितना तबियत खराब हो गए तालाब के पानी पी के खाना बनात हुई। ग्राम पंचायत में पुरानी पाइपलाइन जो थी सड़क निर्माण के दौरान एडीबी जो रोड बना रहा है उसके दौरान उनकी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया है ना, तो उसके एवज में इन एडीबी वालों ने हमको पीएचई विभाग को नई लाइन डालने के लिए पैसा दिया है। नई लाइन डालने का हमने टेंडर भी लगा दिया है, लेकिन क्या है इनकी जो साइट क्लीयरेंस जो है, साइट क्लीयरेंस इन्होंने अभी हमको दिया नहीं है, इनकी नाली बनी नहीं है। जैसे ही नाली बन जाएगी तो हमारा काम विधिवत और अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभी वर्तमान में अकेली व्यवस्था के लिए मैं माननीय सरपंच महोदय को बोला हूँ कि तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग जो लाइन है हम पंप से चालू करते हैं पानी, कुछ लाइन को अगर कहीं लीकेज हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा, तो उसको मैं भी आज तक का बना देते हैं। रोड निर्माण के संबंध में चक्का जाम किया गया था, निर्माण कार्य प्रगति पर है, नाली का निर्माण किया जा रहा है, पाइपलाइन सेटिंग का काम पीएचई विभाग को दिया गया है, पीएचई विभाग द्वारा पाइप का ऑर्डर किया गया है, उनके द्वारा एश्योर किया गया कि पाइपलाइन सेफ्टी कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा और पूर्ण करा लिया जाएगा। मैं दुर्ग विकास खंड के ग्राम पंचायत नकपुरा में, जहां सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है और इस बारिश का समय अभी ग्रामीणों ने यहां चक्का जाम की स्थिति बनाई हुई है, ग्राम सरपंच के नेतृत्व में चक्का जाम की स्थिति बनी है। क्यों बनी ये चक्का जाम की स्थिति और पुलिस प्रशासन का अमला भी तैनात हुआ है, सरपंच की जुबानी सुनिए क्या है मामला बताइए। नकपुरा में विगत 1 माह से पेयजल समस्या बना हुआ है, रोड चौड़ीकरण में हमारा जो पुराना पाइपलाइन था उसको एडीबीडी वाला रोड वाले तोड़ दिए हैं, तो इस संदर्भ में मैंने एडीबीडी के अधिकारियों से संपर्क किया, पीएचई संपर्क किया, आवेदन निवेदन बहुत किया, पेयजल बहुत विकट समस्या है करके, पाइपलाइन सुधार दो करके, अभी तक इन लोग सूद नहीं ले। गांव वाले सब मेरे पास फोन लगा लगा के बोलते कब सुधरेंगे कब सुधरेंगे, ये लोग तो पिछले 15 दिन से मतलब हड़ताल का चक्का जाम करने वाले थे, मैं रोक के रखा था। कब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? एडीबीडी वाला प्रोजेक्ट 2 साल से चल रहा है, अभी काम तेजी नहीं है, नाली आधा अधूरा पड़ा है, जानवर गिर रहा है, आदमी गिर गया है, एक्सीडेंट दुर्घटना हो रहा है, धूल। पानी की समस्या कब से बनी हुई है? ये 1.5 महीना हो गया पानी की समस्या, जो पाइपलाइन टूटा है उससे। प्रशासनिक अमला को अवगत कराए थे? 3-4 बार अवगत करा चुका हूँ, लिखित में रखा हूँ मैं। अभी बरसात का समय आ चुका है और आपने यहाँ चक्का जाम किया है, ये 2 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है, गर्मी के दिनों में ये चक्का जाम की स्थिति क्यों नहीं बनी, अब बरसात में क्यों किया जा रहा है? शासन प्रशासन ने हम लोग को ऐसी बोलते थे कि 2 दिन में भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं, गुमराह कर दिए, पेयजल समस्या हम लोग हल कर रहे हैं करके। पीएचई विभाग के अधिकारी बोरकर साहब भी आए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? वो बोले कि मैं पाइपलाइन पुराना है, उस 15 दिन से मतलब हड़ताल का चक्का जाम करने वाले थे, मैं रोक के रखा था। कब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है? ये कौन सा प्रोजेक्ट है? एडीबीडी वाला प्रोजेक्ट 2 साल से चल रहा है, अभी काम तेजी नहीं है, नाली आधा अधूरा पड़ा है, जानवर गिर रहा है, आदमी गिर गया है, एक्सीडेंट दुर्घटना हो रहा है, धूल। पानी की समस्या कब से बनी हुई है? ये 1.5 महीना हो गया पानी की समस्या, जो पाइपलाइन टूटा है उससे। प्रशासनिक अमला को अवगत कराए थे? 3-4 बार अवगत करा चुका हूँ, लिखित में रखा हूँ मैं। अभी बरसात का समय आ चुका है और आपने यहाँ चक्का जाम किया है, ये 2 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है, गर्मी के दिनों में ये चक्का जाम की स्थिति क्यों नहीं बनी, अब बरसात में क्यों किया जा रहा है? शासन प्रशासन ने हम लोग को ऐसी बोलते थे कि 2 दिन में भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं, गुमराह कर दिए, पेयजल समस्या हम लोग हल कर रहे हैं करके। पीएचई विभाग के अधिकारी बोरकर साहब भी आए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? वो बोले कि मैं पाइपलाइन पुराना है उसका करार हूँ करके बोल के अभी गया है, और 3 हैंडपंप में बिगड़ा हुआ है बस्ती अंदर, उसको सुधारने के लिए टीम भेजा हूँ बोला है। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले जनदर्शन में ज्ञापन भी सौंपा था, गृह मंत्री को भी अवगत कराया था, वहां से क्या निष्कर्ष निकला? मैंने गृह मंत्री को फोन से बात किया था कि नकपुरा में पेयजल समस्या बने हुए हैं, तो फिर उन लोगों ने माननीय मंत्री जी ने फिर पीएचई विभाग के अधिकारी से फोन से सूचना की नकपुरा पेयजल समस्या उसको दुरुस्त करो करके, फिर दोनों टीम पीएचई प्लस एडीबीडी के अधिकारियों ने नकपुरा आया, घूम के बस चला गया, कोई काम नहीं किया।
दिवंगत शालिनी यादव के निधन के पश्चात आपके क्षेत्र क्रमांक 6 में जनपद सदस्य का फिर से उपचुनाव है, 27 तारीख को मतदान होना है और आप लोगों ने चक्का जाम की स्थिति बनाई हुई है। अब जाकर के अगर निष्कर्ष नहीं निकला इस मामले में तो आगे आप लोगों के द्वारा क्या इस पर रुझान रहेगा? अभी जिला पंचायत का उपचुनाव हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं, 27 तारीख को मतदान है। अब जनता बोल रहे हैं अभी कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे पेयजल समस्या बना करके।